आपके सामने अपनी पर्सनल पेश करता हूँ कि हमने बचपन में अपने बच्चों को इस बात का आदि बनाया। बच्ची मेरी एफएससी कर चुकी, बच्चे मेरे नाइन्थ क्लास में लड़के हैं, हाफिज़ कुरान है, एक एट में है, दो नाइन्थ में है, वो कपल पैदा हुए, जुड़वा पैदा हुए, ट्विन पैदा हुए। हमने कभी बच्चों के हाथ में पैसे नहीं दिए सिवाय ईद के मौके पर कि हम ईदी देते हैं, कभी कोई सिक्का नहीं दिया। घर के अंदर हमने जैसे महीने की ग्रोसरी हमारे महीने की हमारे घर में आती थी, ऐसे बिस्किट के डब्बे और टॉफियां हम ला के रखते थे। सुबह जब बच्चे स्कूल जाते थे तो एक पैकेट बिस्किट का, दो टॉफियां आपके लंच के लिए, किसी दिन शामी कबाब और एक पराठा, एटीसी जिसे कहते हैं, आगे आगे, ठीक है। हमने ये किया, ये काम क्यों किया, लेकिन एक काम मैंने किया, मैं जुम्मे की नमाज के लिए जब जाता हूं तो मुझे जुम्मे में खिताब करता हूं तो बच्चों को साथ लेकर जाता हूं, तो मैं तकरीबन सबसे पहले पहुंचता हूं, दो चार दो घंटे मेरे बच्चे मस्जिद की अगली सब के अंदर बैठते हैं दाएं जाने के लिए। जुम्मे के दिन मैं बच्चों को पैसे देता हूं घर के अंदर के, बेटा जब मस्जिद का चंदा जमा किया जाएगा तो सबसे पहले तुम्हारे हाथ से ये देखी होनी चाहिए। ये तरबियत की, इधर की शीशी ला के बच्चों को देता हूं हर जुम्मे को कि बेटा ये आपने, बेटा ये आपने तमाम नमाजियों को ये खुशबू लगानी, और ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इंशाल्लाह इनको इस बात की तालीम दूंगा कि बेटा जब लोग नमाज के लिए आ जाएं तो नमाज खत्म होते ही तुम बाहर जाके इनकी जूतियां सीधी करो, ताकि जब नमाज में आए तो उनको अपनी जूतियां सीधी मिलें। ये मैंने कुछ लोगों से ये बातें सीखी हैं, ये मुझे इल्हाम नहीं हुआ, और ये बातें मैंने आप तक तहदीज नहमत के लिए नहीं की कि मैं अपनी तालीम कर रहा हूं, ये बातें मैंने आप तक इसलिए कन्वर्ट की कि यहां पर मुस्तकबिल की माएं और मुस्तकबिल के बाप बैठे हुए हैं, और ये इस बात को आगे बढ़ाएंगे, चराग से चराग जलेगा और फिर ये अंधेरा दूर होगा। फिर बाद